अस्सलाम वालेकुम। कई लोगों का ये सवाल है कि क्या हम क्रैब खा सकते हैं? क्रैब यानी कि केकड़ा जो होता है, क्या हम उसको खा सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि ऑब्वियसली आप लोग क्रैब खा सकते हो, यानी कि केकड़ा खा सकते हो। लेकिन केकड़े में जो है वो बहुत ज़्यादा टाइप्स होते हैं। एक वो है जो पानी में रहता है और एक वो है जो डेजर्ट एरियाज में रहता है। तो जो क्रैब्स डेजर्ट्स में रहते हैं वो कई बार जो है बाहर नहीं दिखते, वो हमेशा डेजर्ट के अंदर छुप कर रहते हैं। तो उस तरह के क्रैब्स जो है वो बिल्कुल भी इस्लाम में खाना जायज़ नहीं है। लेकिन कुछ क्रैब्स है वो हमेशा पानी में रहते हैं, वो क्रैब जिनके सामने दांत होते हैं, वो क्रैब जो पानी में रहते हैं वो क्रैब आप बिल्कुल खा सकते हैं। उनमें कई तरह के क्रैब्स होते हैं और एक कुछ ब्लू क्रैब करके भी होता है, वो ज़मीन पे यानी कि एम्फीबियन है लेकिन आधा ज़मीन और आधा पानी में रहता है। लेकिन क्योंकि वो पानी में रहता है तो फिर वो क्रैब खाना बिल्कुल जायज़ है। लेकिन जो क्रैब्स ज़मीन पर होते हैं यानी कि डेजर्ट एरियाज में होते हैं वो क्रैब खाना जायज़ नहीं है। तो आप लोग खाने से पहले मेक श्योर करें कि वो या तो फिर ज़मीन का है या फिर पानी का है। अगर पानी का है तो देन यू कैन हैव इट।